इतना खुश हो, क्या तो आनंद में रह के, क्या जादू है बापू के पास था। 12 से 15 एक ही दिन में। कहा बापू गिर जाएगा। कहा भले गिरे, गिरने दे, तेरे को मैं बोल रहा हूँ मेरा चेला है कि उसका चेला है। और फिर 3 महीने बाद इसी व्यासपीठ पर आया था। मैं आपको कैसे बताऊँ, बापू की दृष्टि इतनी सूक्ष्म, मैं आपको बता नहीं सकती। वो यहीं खड़ा था, अभी तो कुछ बोला भी नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ नहीं। गुरुदेव ने यहीं से उसको देखा और बोला, अरे तू 18 वाला है ना, इधर आ। तो वो तो हैरान हो गया कि इतनी भीड़ में मुझे कैसे पहचान लिए 3 महीने बाद। स्वामी जी बोले, क्या हाल चाल, 50-50 पहचान गए थे। उसका नाम बापू को नहीं पता, आखिरी तक नहीं पता, बस उसी तरीके से उसको बात करते थे, 12 वाला 15 वाला 18 वाला। एक साधक मुझे अपना अनुभव बता रहा था, मुंबई से आगे एक स्थान है, उसका नाम कोलम है, रायता कोलम। वहाँ गुरुदेव का बहुत विशाल आश्रम है और कुटिया थोड़ी दूरी पर है। तो साधक बता रहा था कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी। मैं दुकान बंदी रात को 9:30-10 बजे जिसके यहाँ काम करता था वो मुझे छोड़ता था, तो ही मैं गुरुदेव की कुटिया तक जा पाता था। सत्संग तो 7:30 तक पूरा हो जाता था। तो कई बार उसने अपने सेठ को निवेदन किया कि मेरे गुरुजी आए हैं, मुझे जाने दो। कहा भाई नहीं, 9:30 के बाद तुझे जहाँ जाना हो जाना, मैं काम नहीं छोड़ सकता। तो देखो विद्यार्थी, कैसे कैसे लोग मेहनत करते हैं घंटों घंटों, तब जाके वो धन कमाते हैं। और उसमें भी वो सत्संग के लिए छुट्टी मांग रहा था तो भी उसके सेठ ने ना बोल दिया। और यहाँ बापू ने कैसा खजाना खोल रखा है, जितना धन कमा सकते हो कमाओ। वो 9:30 बजे उसको छुट्टी मिली, हाथ पैर धो के घर से 10 बजे निकला तो जहाँ गुरुदेव का स्थान था वहाँ 11:45 के पहुँचा। तो बापूजी का जहाँ स्थान था उससे पहले गेट आती है, वहीं पर उसको रोक दिया गया। कहीं कोई समय है आने का, 11:45 बजे हैं। तो कहा मैं क्या करूँ, वो मेरा सेठ मुझे छोड़ता नहीं है, 9:30 छोड़ा मैं अभी आया हूँ। तो कहा नहीं भाई, गुरुजी तो अंदर चले गए, अब नहीं होगा। कहा अच्छा, मैं बाहर ही बैठा हूँ, बस मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ, मैंने सुबह से माला नहीं की है। आसन लेकर आया था वहीं बाहर बिछा कर माला करने लगा। कहा अच्छी बात है, आप भले माला करो पर चले जाना, ठीक है। वो माला करते करते रो रहा था, आँखें भर गई, मन भर गया कि कैसा मेरा जीवन है, आज हजारों की लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने गए और मैं रह गया। और आया भी तो 11:45 बजे आया, द्वार बंद हो गए हैं। माला करते करते उसको 11:30 बज गए, 11:45 हो गए। और इतने में सामने से गुरुजी टॉर्च लेकर आ रहे थे। और जैसे आए तो कहा ये कौन है, क्यों बैठा है? तो उसने सिंधी भाषा में बताया कि बापूजी मेरी दुकान वाला मुझे छोड़ता नहीं है और उसने छोड़ा तब मैं यहाँ पर आया हूँ। तो कहो हो कितना देता है? तो कहा 12,000। तो कहा लानत है, 12,000 के लिए तू इतना वहाँ पर भटकता है? तो कहा स्वामी जी घर पे 5 लोग हैं और मैं कमाने वाला एक हूँ। तो कहा कल सुबह जाना और उसको धमकी देना कि मैं आज से नौकरी, बोलो जोर से बोलो, छोड़ रहा हूँ। कहा साईं छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? कहा जो पूरी दुनिया को खिलाता है वो तुझे भी, जा तू बोल। तो कहा बापू फिर बोलूं तो क्या बोलूं? कहा बोल 15 कर। कहा बापू एक बार में 3,000? तो कहा नहीं तो यहाँ नहीं आना, तू उसका चेला है कि मेरा चेला है? तो कहा नहीं बापू जी, चेला तो आपका हूँ, जा 15 बोल। तो सुबह गया और मुँह फुला के गया और दरवाजे के अंदर ही नहीं जाए दुकान में। उसका मालिक बोला अंदर तो चल, नहीं आऊँगा। और क्यों? बोला नहीं आऊँगा, पगार बढ़ा नहीं तो यहीं जा रहा हूँ। तो कहा अंदर तो आ बात करूँगा, अंदर नहीं आऊँगा। बोले यहीं से बढ़ा, कितनी? बोले 15। बोले चल अंदर, ले लिया 15 में। इतना खुश हो, क्या तो आनंद में रहा कि क्या जादू है बापू के पास था। 12 से 15 एक ही दिन में।
वो रात को 9:30 जल्दी जल्दी गया और गुरुजी फिर पहचान गए। अरे बोले तू 15 वाला है ना, क्या हुआ तेरा? तो कहा बापू जी 15 हो गए। बोले कल नहीं जाना है। कहा बापू कल क्यों नहीं जाना है? कहा नहीं, उसको बोल 18 कर। कहा बापू गिर जाएगा। कहा भले गिरे, गिरने दे, तेरे को मैं बोल रहा हूँ मेरा चेला है कि उसका चेला है। कहा बापू आपका ऊपर, वो सच में गिर जाएगा। मैंने कहा ना गिरने दे उसको, तू जा। वो फिर गया और वचन पे विश्वास, गुरुदेव की कृपा का बल। कौन सा बल कह रही हूँ? गुरुदेव की कृपा का बल, वचन, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वो विश्वास करके गया और जैसे गया फिर मुंह फुलाया तो सिंधी भाषा में बोला, भाई आज तो अंदर चल, हल्लाने अंदर बाहर छो बिठो ही नहीं चलना है, वरी अड़ी छाती। बोले फिर आज क्या हुआ? बोले बस बहुत हो गया 15,000 में आपकी नौकरी। अरे कल ही तो बढ़ाया है भाई। बोला पर नहीं करनी है, मैं तो तैयार हूँ छोड़ने के लिए। पर क्यों छोड़ेगा? 18 करो। एक दिन में 18? तो मैं जा रहा हूँ। बोले 17 करता हूँ, चल अंदर चल। बोले नहीं आज ही पता हो 18 का 18। तो उसने बोला अच्छा अंदर तो आ। और 2 दिन में उसकी पगार कितनी हो गई? 18। और फिर गया तो उसने बापूजी के आगे नहीं कहा, गया कहते हैं आज स्वामी जी 20 कहेंगे तो गिर जाएगा मेरा सेठ, कैसे जाऊँ आगे। और फिर 3 महीने बाद इसी व्यासपीठ पर आया था। मैं आपको कैसे बताऊं, बापू की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो यहीं खड़ा था, अभी तो कुछ बोला भी नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ नहीं। गुरुदेव ने यहीं से उसको देखा और बोला अरे तू 18 वाला है ना, इधर आ। तो वो तो हैरान हो गया कि इतनी भीड़ में मुझे कैसे पहचान लिए 3 महीने बाद। कहा क्या हुआ, कितना चल रहा है? बोले बापू आपकी कृपा है, बहुत अच्छा हो गया, 12 से 18 हो गया। बोले क्या जिंदगी देगा क्या 18 में? 20 बोल। जी साहब जी 20 बोलता हूँ। वो अहमदाबाद से गया तो था, रात को घर पहुँचा तो करवट बदले, पत्नी बोले सो क्यों नहीं रहे हो? बोले साईं चयवाए, स्वामी जी ने बोला है कि कल उसको 20 बोलना है, तो मुझे लगता है मेरा सेठ कहीं गिर नहीं जाए। स्वामी जी बढ़ाते जा रहे हैं, क्या होगा? बोले तू क्यों चिंता करता है, देने वाले बापू दे रहे हैं, तू क्यों चिंता कर रहा है वो गिर जाएगा? गुरुजी बैठे हैं तेरे पीछे, तो अच्छी बात है। बस वो गांठ बांध कर गया और उस दिन मुंह तो नहीं फुलाया पर सेठ जी को बोला मुझे नौकरी नहीं करनी। बोले अब क्या हुआ? बोले बस 3 महीने हो गए, बहुत हो गया। पर वो कारण तो बता। बोले 20 कर दो। बोले तेरे को हो क्या रहा है फिर 3 महीने में खड़ा हो गया तू? बोले मैं तो तैयार हूँ छोड़ने को। बोले चलो भाई चलो 20 करता हूँ। तो 3 महीने में उसकी कितनी पगार हो गई? 20। वो मुझे जब अपना अनुभव बता रहा था तो बोल रहा था कि मैं 6 महीने बापूजी के नज़दीक नहीं गया था, क्योंकि अब गया अगर 25 बोल दिया तो मेरे सेठ का क्या होगा। तो बोले मैं 6 महीने बाद गया था और स्वामी जी फिर पहचान लिए, अरे तू 20 वाला है ना? बोले हाँ। तो क्या है तेरे हालचाल? बोले बापू बहुत कृपा है, 12 से 20 हो गए। 20,000? बोले बापू वो गिर जाएगा अब नीचे। अरे गिरने दे, मैं तो तेरे को बोल रहा हूँ। तो कहा स्वामी जी अब क्या बोलूँ? उसको बोल 50-50, बोल जो कमा रहा है आधा तेरा और आधा। वो सोच रहा है बापू मुझे कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। और उसमें सच में हिम्मत करके जब वो गया और बोला कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, 50-50%, 50-50 होगा। तो उसने बोला तेरे को इतना लगाना पड़ेगा, कहाँ लगाऊँगा? उसने लगाया और 50-50% पे वो बराबर के क्या बोलते हैं पार्टनर हो गए ऐसे। फिर वो गुरुदेव के पास गुरु पूनम पे रायता गया। स्वामी जी बोले क्या हाल चाल? 50-50 पहचान गए थे। उसका नाम बापू को नहीं पता, आखिरी तक नहीं पता, बस उसी तरीके से उसको बात करते थे, 12 वाला 15 वाला 18 वाला। फिर बोला क्या हाल चाल है? बोले बापू 50-50 चल रहा है। बोले अपनी दुकान खरीद, कब तक नौकर रहेगा? कहा बापू अपनी दुकान? बोले और क्या, नौकर बनेगा क्या जिंदगी भर? अब लात मार इसको, नए दुकान की तैयारी कर। और बापू ने कुछ व्यासपीठ से मुट्ठी भर प्रसाद उसके हाथ में दे दिया। बोले जा तेरे को कभी कमी नहीं आई। और अब उल्लासनगर में उसकी 3-3 दुकान है।
कहाँ गुरु कृपा रुकती है बताओ, न नाम पता था न कुछ। और देते समय देखो कहाँ 11:30 बजे रात्रि को, क्या 12,000 पे बैठा है, लग जा। तो किस्मत में चढ़े हुए रंग बदल सकते हैं, कमान से निकली हुई तीर की दिशा बदल सकते हैं। आ जाओ जो सतगुरु के चरणों में, तो आपके भाग्य की लकीरें भी बदल सकते हैं। तो ये तो अनुभव था कि वो कहाँ 12,000 से 18, 20, 25, 50, 50, और फिर 3 दुकान का मालिक बन गया। लेकिन गुरुदेव के आगे ये प्रसंग रखोगे तो बापू कहेंगे बहुत छोटा अनुभव है, क्या हुआ, पैसा ही तो कमाया, क्या हुआ, दुकान ही तो हुई। अरे मैं तो यहाँ त्रिलोकीपतिनाथ भगवान तुमको देने जा रहा हूँ, तुम वो खजाना ले लो तो कोई दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं।